हेलो गाइस, वेलकम टू अमरिंग गेमिंग YT चैनल। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा प्लैटिनम टू कॉन्करर का सफ़र कैसा रहा, और आप भी वैसे ही जा सकते हैं सिर्फ 4 दिन में। तो गाइस, इस बार हम आशा करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करोगे, आप ढेर सारा प्यार दोगे इस वीडियो को, ना कि आप देखे बिना स्किप करके या बीच में छोड़ के चले जाते हो, पूरा वीडियो तक नहीं देखते। हम 4 मिनट 5 मिनट का डालते तब भी नहीं देखते हो। इससे हमारे व्यू ड्यूरेशन और हमारे वॉच टाइम पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गाइज़, प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल के इस वीडियो को देख लो, आप ही के लिए बना रहे हैं। और गाइज़, ढेर सारा प्यार देना। इस बार लाइक गोल है 200, तो आई होप आप इस 200 को कंप्लीट कर दोगे और हमारे वीडियो को बहुत 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 प्यार दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, पहले डिसाइड करो आपको कौन सा टायर में रैंक पुश करना है, जैसे कि सोलो, डुओ या स्क्वाड। सोलो में आपको किसी पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सोलो में पुश कर सकते हो, आपको अपने आप पे भरोसा है, तो आप सोलो चूज़ कर सकते हो। अगर आप सोलो नहीं खेलना चाहते, सोलो में ज़्यादातर आप बोर भी हो जाते हो अकेले ही खेल खेल के, इसलिए बेटर ऑप्शन रहेगा डुओ। डुओ में क्या होता है, जब आप अपने टीममेट या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डुओ में रैंक पुश करना चालू करते हो, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि टाइम कैसे पास हो रहा है, और आपको एक शील्ड भी मिल जाता है कि हाँ, अगर मैं नॉक हो गया तो मेरा दोस्त मुझे बचा लेगा और माइनस होने से बच सकते हो। ऐसे एक बंदे को लो अपने पास जो हमेशा आपको सपोर्ट करे, उसे भी आपका माइनस होने में डर लगा रहे कि मेरे वजह से इसका माइनस हो सकता है, मैं इसको पूरा कवर दूंगा। तो गाइज, ऐसे एक पार्टनर को पहले अपने डुओ पार्टनर को बनाओ, उसके बाद आप डुओ खेल सकते हो। और स्क्वाड में आपके लिए परफेक्ट स्क्वाड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हर तरह से वो कवर कर सके। अगर एक बंदा नॉक हो तो दूसरा मारे, या दूसरा नॉक हो तो तीसरा मारे। अगर ऐसा कोई स्क्वाड नहीं है, जैसे हमारे पास स्क्वाड नहीं था इसलिए हमने डुओ में पुश किया, जैसे कि मैं और मेरी सिस्टर ने किया, और हमने कॉन्करर भी हासिल कर लिया, क्योंकि हम दोनों को लगा रहता था कि माइनस ना हो, जितना हो सके उतना हम अपने इससे बचाने की कोशिश करते थे। तो गाइज, ऐसे आप अपने फ्रेंड्स को लेके खेलो स्क्वाड या डुओ, लेकिन बेटर है डुओ ऑप्शन में। डुओ बोलती हूँ, आपको खेलना है तो आप डुओ खेलो, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो और इतना टाइम भी नहीं लगेगा। टिप 2, गोल से डायमंड तक फुल रश खेलो। अगर आप KD मेंटेन करना चाहते हो, तो KD भी मेंटेन हो जाएगी और आपका टायर भी जल्द से जल्द बढ़ जाएगा। डायमंड के बाद आप ऐसे जगह लैंड करो जहां एक डुओ से ज़्यादा ना आता हो, ताकि आप जल्दी लूट के उन्हें मार सको और गाड़ी लेके दूसरे बंदों की तरफ जा सको, ताकि आप जितना रश करके खेलोगे उतना आपका पॉइंट्स बढ़ेगा, ना कि आप पहले ही आप अगर सेफ खेलने लग जाओगे तो बिल्कुल आप कॉन्करर नहीं जा पाओगे, बहुत देर लग जाएगा। इसलिए क्राउन 3 तक आप वैसे खेलो, लूट करो पहले, हेल्थ किट पेनकिलर सब अपने पास रखो, फिर आप निकलो और रश कर करके मारो ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं, आप उन्हें इजी मार सकते हो। क्राउन 3 से आपको सेफ खेलना पड़ेगा, आपको टॉप 10 में आना ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस हो जाता है। आप अगर टॉप 20 में होते हो, टॉप 15 में होते हो, तब भी आपका -1 -2 ऐसे हो जाता है। टॉप 10 में अगर आप आते हो तो आप इस बात से डरोगे नहीं कि मेरा माइनस हो जाएगा, तब आप में कॉन्फिडेंस भी होगा और आप मारोगे ही। और एक बात, अगर आपके किल्स नहीं है, आपके 0 किल या 1 किल है, तब आपके टॉप 10 में भी 1 या 2 माइनस हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किल कर सको। आप अगर जोन के बाहर रहोगे, फर्स्ट जोन और सेकेंड जोन में, तब आपका पॉइंट्स बढ़ सकता है, क्योंकि आप जब हेल्थ बढ़ा रहे होते हो तब भी आपके पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं, और आपको वहाँ पे 1 या 2 बॉट मिल ही जाते हैं बाहर, और वो भी आपके किल्स होते हैं, फिर आप बाद में मार भी सकते हो। टॉप 10 में सबसे पहले आप जाओ जोन के अंदर, उसके बाद अगर कोई घर है वो आप ले लो, घर पकड़ लो पहले जाके, या तो कोई पत्थर है या कोई व्हीकल, आपका व्हीकल डिस्ट्रॉय करके उसे कवर बना लो, ताकि आपको दूसरे ना मार सके, दूसरों को आप मार सको जब वो जोन में आए। तो गाइज, टिप 3, हमेशा एक व्हीकल अपने पास रखना चाहिए। सबसे पहले व्हीकल ढूंढो, ताकि आप कहीं भी जाओ तो सेफली जा सको, नहीं तो आपको भागना पड़ेगा ओपन में, कहीं से भी आपको पड़ सकती है, पता नहीं कहां से आपको मार पड़ जाए और आपका माइनस हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक प्ले अपने पास एक व्हीकल रखे ही रखे, क्योंकि अब उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आपको गेम में।
और अपने व्हीकल को हमेशा सेफ रखो, कहीं अंदर घुसा के रखो जैसे कि शेड में या कहीं भी सेफली रखो, क्योंकि एनिमी सबसे पहले आपका व्हीकल डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि उसके बिना आपको वो इजीली मार सकेंगे। और अगर आपको एनिमी की गाड़ी दिख रही है, सबसे पहले आपको भी वही काम करना है, उनका व्हीकल पहले डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि वो आप पे सीधा गाड़ी लेके रश ना कर सके, वो भाग के आए और आप उन्हें आसानी से मार सको। और गाइस लास्ट जोन में क्राउन वन क्राउन टू में लास्ट जोन में भी आपको 22 या 21 या 20 बंदे मिल सकते हैं, इसलिए गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। उनके पास भी सबके पास गाड़ी होती है, सब गाड़ी लेके घूम रहे होते हैं और आप निहत्ते रुके खड़े भाग रहे होते हैं उधर इधर, वो आसानी से आपको मार देते हैं। तो हमेशा एक गाड़ी अपने पास रखो ही रखो। टिप 4, रेड जोन से बचो। सेंट्रल रोड के अंदर रेड जोन हमेशा होता है। सेंट्रल रोड आप अगर उतरोगे तो रेड जोन से मरने का डर आपको सताता ही रहेगा, कि आप बाहर भी निकलना डरोगे, क्योंकि हमारा भी बहुत सारा माइनस सेंट्रल रोड में हो चुका है रेड जोन के गिरने के कारण। एक बार गिरा, नॉक किया, फिर दोबारा मार ही दिया पूरा, तो 22 माइनस हमारा हो गया था। हम वहीं पे उतरते थे, सेंट्रल रोड ही हमारा ठिकाना बन गया था, फिर हमने वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया जब हमारा बहुत सारा माइनस हो गया। तो गाइज जितना हो सके आप सेंट्रल जाने से बचो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घटिया जगह है, वहाँ पे सिर्फ रेड जोन ही होता है। कभी कभी आपको फ्लैट इसमें स्टेडियम में देखने को मिल सकता है रेड जोन, लेकिन हर वक्त आप देखोगे तो ज़्यादातर वहीं पे होता है सेंट्रल रोड में। सो गाइज हमेशा सेफ खेलो, रेड जोन से बचे रहो। आपको पता है रेड जोन कितना खतरनाक है पबजी लाइट का, एक बार तो किसी को तो मार के ही जाता है, तो जितना हो सकते आप इसमें से बचो। टिप नंबर 5, दिन में एटलीस्ट 7 hours खेलना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको 4 days में कॉन्करर जाना है तो। और हमेशा याद रखो आपको कवर लेके ही खेलना है, ओपन में हरगिज़ जाया मत करो, क्योंकि ओपन में अगर आप जाते हो तो खुद के पैर में खुलाड़ी मारने जैसा होता है, सामने वाला बंदा इजीली आपको ख़त्म कर सकता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपको भागना ही पड़ता है उनसे बच के, तो आप खुद मर जाते हो। तो गाइज ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर इन कवर। गाइज यही 5 tips हम आपको देना चाहते थे, क्योंकि आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप भी हमारी तरह कॉन्करर जा पाओगे। और हमेशा ध्यान रखो कि आप रश खेल रहे हो। गाइज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।